चंगाई सभा में चमत्कार, मनोविज्ञान है आधार। अंकड़े चले गए, अंधे देखेंगे और कोड़ी शुद्ध होंगे। कथित पास्टर अंकुर नरूला और उनके जैसे न जाने कितने ही कथित बिशप और प्रॉफेट्स चंगाई सभा लगाकर चमत्कार दिखाते हैं। सभा में पहुंचने वाले लोगों के लिए प्रार्थना का दरबार सजाते हैं और चंद्र ट्रिक्स को पवित्र आत्मा का काम बताकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन तर्क की कसौटी पर पवित्र आत्मा और विश्वास की बात होती है तो चंगाई सभा की दुकान चलाने वाले तमाम कथित पादरी, बिशप, पास्टर और प्रोफेट्स ट्रिक्स के सामने फेल हो जाते हैं। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को देखकर बहुत हैरान होने वाले हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ का मजाक बनाया जा रहा है, परमेश्वर के लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि इन दिनों में कितने ही न्यूज चैनल्स परमेश्वर के विरुद्ध में बोलते हैं, मसीह लोगों के विरुद्ध में बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक वीडियो निकल कर आया मेरे सामने न्यूज नेशन चैनल से, जिसके ऊपर किस तरीके से परमेश्वर के सामर्थ का मजाक बनाया जा रहा है ट्रिक दिखाकर। देन प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, अभी देखिए। कथित पादरी के चमत्कार की सच्चाई क्या है, ये अब तक लाइव डेमोंस्ट्रेशन देखकर लोग समझ चुके होंगे। बिल्कुल, और लेकिन चमत्कार की दुकान चलाने वालों की फेहरिस्त लंबी है, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। और वो ऐसा आभा मंडल तैयार करते हैं कि कोई भी उनके चंगुल में आसानी से फंस जाता है। एक झलक हम आपको एक इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चंगाई सभा में चमत्कार, मनोविज्ञान है आधार। अंकड़े चले गए, अंधे देखेंगे और कोड़ी शुद्ध होंगे। कथित पास्टर अंकुर नरूला और उनके जैसे न जाने कितने ही कथित बिशप और प्रॉफेट्स चंगाई सभा लगाकर चमत्कार दिखाते हैं। सभा में पहुंचने वाले लोगों के लिए प्रार्थना का दरबार सजाते हैं और चंद्र ट्रिक्स को पवित्र आत्मा का काम बताकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन तर्क की कसौटी पर पवित्र आत्मा और विश्वास की बात होती है तो चंगाई सभा की दुकान चलाने वाले तमाम कथित पादरी, बिशप, पास्टर और प्रोफेट्स ट्रिक्स के सामने फेल हो जाते हैं। वो जो बेजान में जान डालने का दावा करते हैं, मूक को आवाज देने का दावा करते हैं, कैंसर और असाध्य रोगों के ठीक होने का दावा करते हैं, वो सब हिप्नोटिस्ट और मेंटलिस्ट सार्वजनिक तौर पर करते हैं और उसे चमत्कार के बजाय ट्रिक के रूप में ही बताते हैं। अभी हम करने क्या वाले हैं, आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, ठीक है, और आपको अपनी आंखें बंद रखनी होगी, लेकिन जब मैं कहूँगा तब। तो होगा क्या कि आपने आंखें बंद रखेंगे, ठीक है, जब तक मैं ना कहूँ तब तक अपनी आंखें आपने नहीं ओपन करनी है। तो आपको टच को याद रखना है, फील करना है कितनी बार टच हुआ है उसको याद रखना है, ठीक है। जस्ट अभी आपको टच फील हुआ कुछ देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले, राइट, ठीक है। कितने बार वो टच फील हुआ, हाउ मेनी टाइम्स? दो बार। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों पर समाज के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी है, वो भी ट्रिक्स को चमत्कार बताने में पीछे नहीं रहते। न्यूज नेशन के मंच पर आस्था और अंधविश्वास का फर्क बताते हुए खुद फादर रेवरेंड दिनेश दास कथित चमत्कार के दावों का समर्थन करते नजर आए। जैसे जैसे आप इसे घूरते जाएंगे, आपकी आंखें भारी होती जाएगी, और हैवी और हैवी और हैवी। जिस मोमेंट पर मैं स्लीप बोलूंगा, इमीडिएटली आप एकदम डीप स्लीप में उतर जाएंगे, डीप रिलैक्सेशन में उतर जाएंगे। रिलैक्स योर बॉडी, क्लोज योर आइज एंड स्लीप नाउ। स्लीप। अभी मैं आप सभी लोगों के राइट हैंड को ऊपर करूंगा, जैसे राइट हैंड को ऊपर करूंगा आप और ज्यादा डीप रिलैक्सेशन में उतरते जाएंगे। होल्ड ईयर, होल्ड इट ईयर। इमेजिन कि आपका हाथ एक लोहे का सरिया बन चुका है, एकदम लोहे का सरिया। 1, 2, 5 की काउंटिंग तक इतना स्टिफ और रिजिड हो जाएगा कि इसके बाद मैं जितना नीचे करने की कोशिश करूंगा उतना वो ऊपर आते जाएगा। अब मैं जैसे ही वर्ड बोलूंगा स्लीप, इमीडिएटली आपका हाथ रिलैक्स हो जाएगा, नीचे जाएगा और आप एकदम डीप रिलैक्सेशन में उतर जाएंगे। स्लीप। लेकिन चंगाई सभा में सामूहिक और विशेष प्रार्थना के नाम पर कैसे कम पढ़े लिखे लोगों को चमत्कार दिखाया जाता है, ट्रिक को पवित्र आत्मा का काम बताकर परोसा जाता है, ये सबके सामने न्यूज नेशन के मंच पर आ गया। यानी सबकॉन्शियस माइंड पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालकर हर चीज संभव है और ये विज्ञान है, न कि कोई चमत्कार। लेकिन क्या ये बात चंगाई सभा की तरफदारी करने वाले फादर रेवरेंड दिनेश दास मानेंगे, देखिए आगे। इस रिपोर्ट को भी आपने देखा, मेरा प्रश्न फादर आपके से जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं बिलीवर इन अ गॉड हूँ, मुझे उस शक्ति पे विश्वास है। मैं किसी भी धर्म से जुड़ा हूँ, चाहे मेरा इष्ट कोई भी हो, उसी तरह मुझे लगता है कि यीशु को मानने वाले जो बिलीवर हैं उनके अंदर की बिलीफ पे मैं प्रश्न नहीं उठा रहा। लेकिन ये काम उनको करने दिया जाए ना जो हैं। आप चर्च में बैठे हैं, आप चर्च में बैठे ऐसे एक्ट तो फिर वहाँ चलने चाहिए। अमेरिका में आप उठाइए, जरा मुझे बताइएगा कितने चंगाई सभा चलते हैं। वो इंडिया जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वो नाइजीरिया या कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वहाँ पे ये चीज़ें दिखती है सर। इसलिए इसको कहा जाता है पाखंड या गुमराह करना। अगर आपने कहा कि भारत में लिटरेसी है, अशिक्षा है, अशिक्षित लोग हैं,
और मैं समझता हूँ जितने भी आपने क्लिप दिखाए उनमें एक भी जन ऐसा नहीं दिखाया आपने जो अशिक्षित लगता हो, तो अमेरिका में जो इलिटरेट लगता हो। और अगर पॉइंट उसी पे तो था, अमेरिका में फिर ये चंगाई सभा क्यों नहीं होता? अमेरिका का मेरा मैं समझता हूं कि न्यूज़ नेशन अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। नहीं सर, हमने पहुंच पाया तो वहां हजारों देखते आप, गूगल तो हजारों सवाल देखते, आप वीडियो लिंक ढूंढिए ना, आप वीडियो लिंक ढूंढिए ना, आपको एक के बाद एक जो है नाइजीरिया के या फिर ऐसे कंट्रीज के मिल जाएंगे जहां पे गरीबी ज्यादा है, भारत में मिल जाएंगे। तो ये तो कन्विंस किया जा रहा है ना, फिर नेशन को वहां पर लेकर के नहीं गए। और आप अगर लेकर के जाएंगे, आप गूगल के कॉलेज में घूम रहे हैं फादर, आप कह रहे हैं गूगल के कॉलेज क्लास में घूम रहे हैं। अच्छा फादर, है आप फिजिकली वहां जाएंगे फादर, है आप इतने कॉन्फिडेंट हैं और आप कह रहे हैं तो कुछ बता दीजिए, क्यों नहीं ठीक हो पाए? देखिए पोप क्यों नहीं ठीक हो पाए? बिल्कुल आपने सही, पोप क्यों नहीं ठीक हो पाए? व्हीलचेयर से क्यों नहीं उठ पाए? बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने, क्यों नहीं ठीक हो पाए? परमेश्वर वचन ये कहता है कि जो मनुष्य किसी के चंगाई के लिए काम करेगा, अगर किसी को ठीक करेगा, तो अगर वो उसको ठीक करता है तो उसके लिए 10 प्रॉब्लम्स के साथ 10 बीमारियां उसको अपने ऊपर खड़ी करनी होगी। आप पोप की एक भी वीडियो ऐसी मुझे दिखा दी जो चंगाई सभा में करते हुए पोप नजर आए हो? ये मैं नहीं दिखाऊंगा। नहीं, आप क्यों नहीं दिखाएंगे सर? तो आप क्लेम कैसे कर रहे हैं कि दिस इज नॉट इलॉजिकल ये क्लेम आप कर रहे हैं, इसलिए वो पोप है। अगर मनुष्य जब काम करता है तभी पोप बन सकता है। डॉक्टर, क्या आप कन्विंस हैं इनकी थ्योरी से? डॉक्टर, क्या सभी यहां पर बैठे हुए बच्चे एंकर नहीं है? इसमें कोई शक नहीं, रोहित ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा देश गरीब भी है, हमारे देश में इलिटरेसी अभी भी बहुत है, और जो जो इसको हम नियोरिच कहते हैं उनको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टेंपर का इंसान हम नहीं मान सकते। उनको देखते हुए जो आपने देखा इस वीडियो में कुछ दिखाया था कि लोग ऐसे पागलों की तरक्की कर रहे हैं, इसको हमारी डॉक्टरी में मैस हिस्टेरिया कहते हैं। मैस हिस्टेरिया का मतलब एक को देखा था कि दूसरा भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं। आपने जैसे भी ऐसे प्रोग्राम देखेंगे नॉर्दर्न इंडिया में हम देखे हैं, आम घरों में देखा होगा माता आ गई, वो क्या होता है? वो सिर्फ एक मैस हिस्टेरिया होती है, एक को देखा था कि मैंने भी देखा 50 लोग कूदे जा रहे हैं जैसे कोई काम ही नहीं है। हम भी ऐसा करते हैं, हम भी लाफ्टर करते हैं, हम भी सब कुछ करते हैं, लेकिन ये इरेशनल है। उद्देश्य ये है कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये की है देश से इस चीज को हटाना। देखिए इसमें हमारे शास्त्र में ओपन है, फर्स्ट रामायण में है, भवानी शंकरो बंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणे अभ्यम बिना नपस्यन्ति सीधा स्वांतता समेश्वरम। अर्थात भवानी शंकर के ऊपर विश्वास करो, भवानी श्रद्धा और शंकर भगवान विश्वास, जो फादर ने अभी बोला। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं यहाँ पे संत की एक उपाधि होती है क्रिश्चियन में, पता है कैसे मिलता है? आपको पता है संत की उपाधि कैसे मिलती है किसी को? हाँ, मदर टेरेसा को भी सेंट कहा गया था ना, कैसे मिलती है पता है आपको? सेंट बोला, हाँ, सेंट बोला गया, तो उसके कैसे मिलती है ये उपाधि? मदर टेरेसा का जो उनको सेंट, क्यों सेंट, कैसे ये उपाधि कैसे मिलती है? दे वर्क फॉर द वेलफेयर। नहीं, मैं उसको क्लियर करता हूँ, फादर मेरे को बताएंगे। फादर, वो सेंट की उपाधि कैसे मिलती है? तीन चमत्कार दिखाने होते हैं ना जी, तीन चमत्कार, फादर ने कहा ना, तीन चमत्कार दिखाने होते हैं। अच्छा, अभी जो वीडियोज आप लोगों ने देखे थे, वो जो कर रहे थे चंगाई सभा में, वो चमत्कार लग रहा था आप लोगों को कि भाई वो टच कर रहे हैं, लोग हिलने लगे? एक काम कीजिए ना फादर, मेक इट वेरी सिंपल, या तो आप इनको सेंट की उपाधि दे दीजिए, नहीं तो आप ये क्लेम कीजिए कि ये चमत्कार अगर नहीं दिखा रहे तो ये अंधविश्वास कर रहे हैं। क्या ये चमत्कार है या सेंट की उपाधि दे रहे हैं? देखिए, आपने एक शब्द यूज किया, पास्टर अंकुर नरूला, पास्टर विजिंदर। आप पास्टर का पहले मीनिंग तो समझ लीजिए, पास्टर होता कौन है? उनको समझाना चाहिए था जो खुद को बिशप भी बोलने लगते हैं। मैं तो पास्टर ही बोल रहा हूं, बिशप भी बोल रहे हैं, फादर भी वो होते हैं जो परमेश्वर के कार्य करते हैं। ये पास्टर नहीं है, ये संत है। जो मेरी पड़ोस में लेफ्ट हैंड पे बैठे संत है, वो डॉक्टर है, वो नहीं, आप मेरे प्रश्न पे नहीं आए, आप मेरे प्रश्न पे नहीं आए, ये आपके पहलू पर है, ये आपके धर्म में ये चीजें हैं। तीन चमत्कार करने वाले को संत की उपाधि दी जाती है, तो ये तो डेली इतने चमत्कार कर रहे हैं, आप इनको क्यों संत कह रहे हैं? इनको नहीं कह रहा हूं मैं, जिसकी बात कर रहा हूं आप कह रहे हैं, फिर आप सब घुमा रहे हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, या तो उसे फर्जीवाड़ा कहिए या नहीं तो कहिए कि ये संत हो चुके हैं। नहीं, आप उनको, आप हिंदू धर्म में संत की अलग परिभाषा, फिर आपको इसका ज्ञान नहीं है, फिर मैं कहूंगा कि आपको पहले उसमें ज्ञान अर्जित करनी चाहिए, फिर आप आप जितने ज्ञान रखते हैं उस पर बात कीजिए। मैं तो आपका सीधा सा जवाब दे रहा हूँ, आपने अभी संत संबोधन किया, उनके कौन से चमत्कार थे? आप इनको संत कह देते हैं, फिर आपको बोलता हूँ फादर, बीइंग अ फादर, आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अज्ञान है, कि आपको जो है ना अज्ञानता ये दिख रही है कि इसमें आपको हिंदू धर्म में संत परंपरा क्या होती है पहले आपको ये पढ़ना चाहिए, और आपके क्रिश्चियन धर्म में ये कहा जाता है कि तीन, ना ना ना, फिर आप इंटरप्ट मत कीजिए, ज्ञान हासिल कर लीजिए, संत का ज्ञान हासिल कर लीजिए, उससे आपको जानकारी पढ़ने के बाद आपको फायदा होगा, जानकारी के बाद आपको फायदा होगा, फिर ऐसे गुमराह लोगों को जो है ना रास्ते पे लगाएंगे, नहीं उनको संत कहते हैं ना, तो तीन चमत्कार करना पड़ता है।
ये आपका धर्म कहता है, ये आपका क्रिश्चियन धर्म कहता है, या तो कहिए उनको आप मतलब ये बिलीवर नहीं हो रहे। खैर हमारे आइए, उनको ये पाखंड नजर नहीं आता, इनको नहीं, मैंने कहा पाखंड जो है ना और विश्वास को भी साइंटिफिकली करना पड़ता है। आप पाखंड को पाखंड कहिए, विश्वास को विश्वास, ये विश्वास नहीं है पाखंड है। फिर ये हिप्नोसिस प्रोसेस नहीं चलेगा, और इन लोगों को अगर ज्ञान नहीं है तो फादर का काम था इनको बताते, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्रिश्चियन धर्म में सेंट की जो पूरी फीलिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है, उसका प्रोसेस होता है। तीन चमत्कार जिसको जानकर भी बरगला रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं ताकि उनको किसी तरह से जस्टिफाई कर सके दैट को। और भारत में सनातन को मानने वालों को पता है कि संत प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है, वो सनातन से जुड़ा है। सो इनका रिजेंबलेंस दिखाकर ये अगर वाहवाही और ताली पिटवाना चाह रहे हैं तो फिर मुझे लगता है चंगाई सभा में जाना पड़ेगा। खैर अमर प्लीज आइए, अमर प्लीज आइए, अमर प्लीज आइए, ये हो गया ताली पिट गई आपके लिए, पिट गई आपके लिए ताली, आइए। क्या आप कौन सा चमत्कार करने वाले? रोहित जी मैं इसको इस तरह देखता हूं में कि इनको टच किया और वो उछलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे कोई आएगा मेरे पास, बुला लीजिए, बुला लीजिए जी, एक और कोई आ सकता है, डिस्ट्रेसमेंट करना है, आप आएंगे, कोई भी आप आएंगे, आप आएंगे, आइए। आपका नाम बताएं, श्याम। आपका नाम? रुचि। रुचि और श्याम मेरे साथ हैं यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। अपनी आंखें बंद कीजिए आप दोनों लोग, टेक अ डीप ब्रीथ, आंखें बंद कीजिए, जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलिएगा, ठीक है। जस्ट ध्यान लगाइए अपने आप सेंटर, सेंटर पॉइंट पे, केंद्र पे ध्यान लगाइए, वेरी गुड, यू ऑल्सो यहाँ पे ध्यान लगाइए, सारा फोकस ये रखिएगा, ओके। अपना हाथ आइए सामने, फिर ऐसा रखिएगा सामने, आप भी दीजिए सामने, ऐसे सामने रखिए, सामने रखिए, राइट वाला ऐसे रखिएगा, कोई बात नहीं, ऐसे सामने रखिएगा। अपना ध्यान सारा यहाँ लगाइए केंद्र पे, ठीक है, और अपने हाथों को दूर रखिएगा हल्का सा, आप भी अपना हाथ दूर रखिएगा, इसको सामने को निकालिए, उसके बाद सामने रखिए, दोनों हाथ रखिए सामने का, दोनों हाथ बताए, ध्यान रखिएगा, कुछ फील हो रहा है? कोई टच कर रहा है? कहाँ पे टच फील हो रहा है? गुड टच, आंखें खोलने नहीं थी, आंखें नहीं खोलने, आंखें खोलने नहीं थी, ओके। यू ऑल्सो आप बताएं क्या 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 महसूस हो रहा है? अजीब सा लग रहा है, जैसे जलन टाइप, जैसे कुछ जल रहा है आपको? हाँ। कहाँ पे? यहाँ पे लग रहा है आपको? और यहाँ पे? कहाँ लग रहा है आपको? यहाँ पे और यहाँ, यहाँ पे लग रहा है। कुछ आपको आपको फील सा हो रहा है? इनको यहाँ पे कुछ फायर सा फील हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? कुछ जल रहा है, जल रहा है आपको, कुछ जल रहा है आपको, क्या वो हल्का जल रहा है या तेज जल रहा है? जल रहा है, तेज जल रहा है वो, क्या वो तेज जल रहा है? कितना तेज है वो? बहुत बहुत तेज है, सहन नहीं हो रहा है आपको वो? नहीं। और कहाँ पे? यहाँ पे फील हो रहा है आपको? यस ब्रदर, आपको कहाँ पे फील हो रहा है? नहीं कुछ फील ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, कहाँ पे फील हो रहा है आपको बताएं? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? आपको हल्का जलन टाइप, जलन टाइप पे लग रहा है, ओके। कितना जलन लग रहा है आपको? बर्दाश्त करने लायक है, ठीक है। रोहित जी यहाँ पे आते हैं, मैंने इनको कहीं पे कोई ऐसा नहीं, मैं आप सबके सामने दिखा रहा था कि मैं अपने को फायर कर रहा था, राइट। मैं आप ओपन कर लीजिए, आपको शायद बहुत तेज से दर्द हो रहा है, राइट, जल रहा है आपको। एक्चुअली मैं आपको देता हूँ, तो मैं अपने हाथ को फायर कर रहा था, मैंने आपके वहाँ पर इसको फायर भी नहीं किया, राइट। That is called a belief system. क्या आपको सच में सिर्फ जलन वाली कुछ फील हो रहा था? बहुत ज्यादा। हाँ, क्या लग रहा था? जलन मच रही थी, ऐसा लग रहा था आग में मेरा हाथ है ये। बहुत ज्यादा। टास्क पूरा हो चुका। Open your eyes. Open your eyes. Dislikes. तो आपको भी फील हुआ? सही बताएं तो मुझे ऐसा लगा जब इन्होंने मेरे पास आया, टच किया, तो इन्होंने कुछ ऐसा केमिकल टाइप इन्होंने मेरे टच किया, क्योंकि आपने बीच में आंखें खोल दी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले ही इन्होंने यहां पे भी टच किया था और यहां पे भी, वो केमिकल टाइप हल्का लगा था कि केमिकल टाइप हल्का कुछ है, इन्होंने कुछ सुंघाया, कुछ गंध भी आ रहा था। इसलिए आप डर गए थे, इसलिए आप आंखें खोल कर देख रहे थे क्या सुंघाया आपको? डर नहीं गए थे आपने, इन्होंने बोला खोलने के लिए, टच हुआ, हम दिला उस खोलना है, इसलिए खोला मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जा सकते हो, गया टास्क पूरा। लेकिन आपको कहां पे जलन हुआ वैसे? यहाँ जलन हुआ। मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके जाऊंगा। आपका नाम बताइए। रुचि, अभी आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? रुचि इसमें सत्यवती कॉलेज में पढ़ती हैं। रुचि पकड़िए, रुचि मेरे ख्याल से आप इंग्लिश तो अच्छे जानती हैं, पढ़ना थोड़ा बहुत जानती हैं, मतलब पढ़ तो लेती हैं वैसे। वेरी गुड, ये सामने क्या लिखा हुआ है? न्यूज नेशन लिखा हुआ है। मैं कुछ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ आपके साथ, क्या ऐसा कोई पॉसिबल है कि मैं अपना पीछा देंगे आप, कि मैं आपके दो सेकंड के लिए कुछ पढ़ने की शक्ति आपसे ले सकता हूँ? नहीं, डिस्क्लोज वाइज आंखें बंद कीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मेरे पास यहाँ पे कुछ शब्द है, रोहित जी मैं आपको भी दिखा दूँ, ये शायद कैमरा दिख रहा होंगे, आप सबको दिख रहा है, ठीक है। अपनी आँखें खोलिए, आप इसको पकड़िए,
इस शब्द को बोलने की कोशिश कीजिए, क्या लिखा हुआ है बोलिए, इसको माइक में बोलिए, मैं सब पढ़िए। ये क्यों है? आई डोंट नो क्या लिखा है, आपको पता होगा पढ़ने में ना, आप सबको पढ़ने में आ रहा था। एस्प्रेजी लाइक फास्ट बोलिए, तो लाउड बोलिए। एस्प्रेजियो एस्प्रेजियो, कोई बात नहीं। रोहित जी पहले आप देखिए, हिमाली आपको दिख रहा है, क्लियर है? पकड़िए पढ़िए। पढ़ने की कोशिश कीजिए ना, इसको बोलिए मुझसे क्या लिखा हुआ है। क्या प्रोनाउंसिएशन ही नहीं बन रहा है, बोल के देखिए क्या बोलना है, वैसे बताइए। चलिए एक काम करते हैं, आप यहाँ पे किसी को भी चुनेंगी, किसी को चुनेंगे सो मैं आप बुला सकें, जिनको पढ़ना अच्छे से आता हो, इंग्लिश जानते हो, कोई आप आएंगे, आप आइए सामने खड़े हो, आप यहाँ जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए, सामने जस्ट रिलैक्स, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट, आंखें बंद रखिएगा अपनी। मैं कुछ शक्ति आपसे ले रहा हूँ जिसको बोलते हैं पढ़ने की शक्ति, राइट? आपका नाम आदित्य। आदित्य मैं उससे पहले दिखाऊं यहाँ पे ऑडियंस को, ठीक है? पकड़िए इसको आदित्य, पढ़ के बताइए। या जा, आप बोल सकते हैं आराम से, इंग्लिश तो आती है आपको, प्लीज प्रोसीड माइक पे। आदित्य माइक पे बोलिए। ले आओ क्लिंग जी। नहीं दोबारा से ट्राई कर सकते हैं उसको आप, कोई बात होता है। अगला शब्द मैंने दिखाया था आप सबको, शायद याद होगा, इसको पकड़िए पढ़िए। ये सब मेंटेनेंस है, लेकिन मटनुका का क्या लिखा? नहीं माटा नुका अभी अभी दिखाता हूँ मैं। पहला शब्द आपको याद था क्या था वैसे? एक्सपीरियंस, राइट। आपको पढ़ने ला रहा था वैसे, मैं आपको वो पढ़ने की शब्द ही वापसी करने वाला हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए निम्न माइस डिस्क्लोज आइस, ओके डन ओपन आइस। सो पहला शब्द हमारा क्या था, वो यही था कुछ, इसको पकड़िए आप सबको पढ़ के। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, ग्रेट। अगला शब्द शायद ये था आपको, दिखा था सबको कैमरा पे, दिखा दूँ तकड़ी। मेंटेनेंस मेंटेनेंस, क्या बात है। सो अभी शायद आपको वो पढ़ना आ चुका है, मुझे लग रहा है, राइट? तकड़ी लाफिंगली लाफिंगली, एक बार दो तालियां दोनों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सही पढ़ा और उस देर के लिए आप सबकी मैंने वो पढ़ने की कुछ शक्ति मैंने ले ली थी, लेकिन आपको मैंने वापस कर दी है। रुचि क्या लग रहा था उस टाइम पे, क्या कंट्रोल नहीं था या मेंटेनेंस? लग तो रहा था कि मेंटेनेंस ही है, लेकिन वो प्रोनाउंस करने में उस तरह से नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था, मतलब कुछ सारे वर्ड इधर उधर हो गए थे, सारे लेटर्स। अच्छा आप कह रहे हैं कि मेंटेनेंस, आपको मेंटेनेंस वैसे नहीं दिख रहा था, उसको मेंटेन करना पड़ रहा था आपको, हाँ? क्योंकि ये कुछ देर के लिए इंग्लिश पढ़ना भूल चुकी थी, वैसे बहुत अच्छी इंग्लिश आप पढ़ लेती हैं वैसे, नो डाउट, लेकिन कुछ देर के लिए इनकी वो मेमोरी, वो शक्ति जो मैंने ले ली थी, जो बाद में वापस भी करी इनको, ताकि दोबारा इनको पढ़ना आ चुका है। अभी नहीं पढ़ पा रहे थे माइक पे, जो स्पेलिंग्स था ना, मतलब कोई भी एक वर्ड का तो मतलब चेंज था, वो पूरा अलग अलग वर्ड था, जैसे जैसे लाफिंगली है तो एल ए आना चाहिए, तो वहाँ जी आ रहा है या एन आ रहा है, ऐसा आपको लग रहा था, महसूस हो रहा था, लेकिन सबको पढ़ने मारा था वैसे वो ऑन कैमरा हो रहा था। ठीक है माइक दे दीजिए हिमानी को, कैमरा पढ़ने मारा था। अमर तो ये क्या था, मतलब ये मैं अभी इसको समझूं, क्योंकि अगर ये सभाओं में होता वैसी सभाओं में तो शायद इसको अभी अलग रूप में यहाँ पे पेश कर लिया गया होता, तो आप क्या कर रहे थे? नहीं ये चमत्कार ही होता, लेकिन मेरे भाई वो सबको ट्रिक्स है, ऑब्वियस बिल्कुल ट्रिक्स है, वो प्योर ट्रिक है जो परफॉर्म कर रहा था मैं। और मुझे लगता है कि एक बार इस पर फादर से ही हम अपना फाइनल कमेंट शुरू करेंगे कि फादर क्या कहेंगे आप इसको। मैं जहां से आरंभ किया था, अगर ये फाइनल कमेंट है तो वहीं से अंत भी करना चाहता हूं। पाखंड और विश्वास में हमें फर्क करना होगा, जो विश्वास है वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। लेकिन एक एक करके कमेंट ले ही लेते हैं डॉक्टर, उसके बाद मैं आपका कमेंट चाहूंगा। विश्वास को इलाज में भी माना जाता है, ये जो फादर कह रहे हैं इनके कमेंट में ये दम तो है कि आपको बिलीव तो करना पड़ता है, दवा भी खा रहे हैं तो बिलीव के साथ। आपने रोहित एक कमेंट किया था, अमेरिका में इतने ज्यादा बाबे क्यों नहीं है, विश्वास मेरे देश आपके देश में क्यों ज्यादा है? इसमें कोई शक नहीं है, हिंदुस्तानी गरीबी अलग है, इलिटरेसी अलग है, तो विश्वास ज्यादा करते हैं और आसानी से करते हैं। इसी विश्वास का ये बाबा कोई एक नहीं है, हजारों लाखों हैं, कोई मौलवी हैं, कोई पंडित वाले हैं, कोई ये क्रिश्चियन, इट इज मैं इनके सख्त खिलाफ हूँ, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये पखंड है। हमें रेशनल बनना पड़ेगा, हमें लॉजिकल बनना पड़ेगा, हमें साइंटिफिक बनना पड़ेगा, लेकिन विश्वास नहीं टूटना चाहिए। चमत्कार नहीं है, बल्कि पखंड है, चमत्कार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से चल रही है ये दुकान। देखिए हमारे जितने ऋषि हुए हैं, ये जान करके जाइए, मैं न्यूज नेशन में इसको बराबर करता हूँ कि बंग में मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर, बांटे हर कीर्तन का आनंद पार है,
तानपुर सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी की आज जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञान दी भंडार नानक, नरसिंह गुजायो जूनागढ़ गिरनार है, कहे पतालनाथ हाथ धर्म दंड लिए, संत रैदास वाल्मीकि बिना ये सुना संसार है। वो लोग संत थे, वो लोग पाखंडी नहीं है। ये जितने जो आजकल के संत हैं वो पद नहीं बनाते हैं, पैसा बना रहे हैं, क्योंकि पाखंड से इनको पैसा मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग कम से कम अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को रख तो रहे थे, लेकिन एक बात मैं जो मानता हूँ हिमानी, मैं चमत्कार पे विश्वास करता हूँ, मैं करता हूँ चमत्कार पे विश्वास, लेकिन मैं उनके चमत्कार पे विश्वास करता हूँ जिनको मैं पूजता हूँ, किसी जरिया को नहीं। और वो चमत्कार होता है आपके विश्वास से, मेरे विश्वास से, आम सब के विश्वास से। बस फर्क इतना है कि इस विश्वास को किसी दूसरों को के सहारे आगे बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो चाहे वो हिंदू हो, सनातनी हो, या फिर क्रिश्चियन हो, या फिर इस्लाम को मानने वाला हो, हर जगह ऐसे पाखंड या अंधविश्वासी लोग बड़े पड़े हैं जो आपका इस्तेमाल करना जानते हैं। अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही डिटेल से देख लिया कि ये लोग सिद्ध करना चाहते हैं इस बात को कि किस प्रकार से ट्रिक दिखाकर जो पादरी लोग हैं वो लोगों को गुमराह करते हैं, जबकि ऐसी ट्रिक तो नॉर्मल कोई भी व्यक्ति दिखा सकता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स, कुछ ऐसे व्यक्ति जो किस तरीके से लोगों को ट्रिक लगा कर उनको कोशिश कर रहे हैं अपना कंट्रोल में करने की, तो इनका ये कहना है कि पादरी जो पास्टर्स है वो भी ऐसे ही करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को कम्प्लीटली आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में साफ ऐसा लिखा हुआ है कि सावधान रहो, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, बहुत से चमत्कार दिखाने वाले आएंगे, ये वचन साफ कहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो चमत्कार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हाँ, यीशु मसीह सामर्थ्य है, वो चमत्कार भी करता है, वो आश्चर्य कर्मों को करता है, वो ऐसे ऐसे कामों को कर सकता है जिनमें मनुष्य सोच भी नहीं सकता, दिन हर एक बात यहाँ पर ट्रिक नहीं हो सकती। हाँ, कुछ होते होंगे, ईसाईयत में भी ऐसे लोग होते होंगे, मसीहत में भी ऐसे लोग होते होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि बहुत से भरमाने वाले आएंगे, बहुत से झूठे आएंगे जो मेरे नाम से मसीह का आकर तुमको भरमा लेंगे। तो हाँ, मसीहत में भी ऐसे लोग हैं जो लोगों को भरमाने की ट्रिक लगाते हैं, लोगों को भरमाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज इस संसार में, हमारे देश भारत के अंदर भी, अदर कंट्रीज में भी आज बहुत से लोग हैं जो सच में परमेश्वर के सेवक हैं, जो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और यीशु मसीह के नाम से सच्चाई में चमत्कार करते हैं। यानी इतना ही कहना चाहूँगा कि इन दिनों में किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर, ऑफलाइन ऑनलाइन, किस तरीके से आज परमेश्वर के नाम की निंदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं, हमारा काम है कि हम अपने मसीह के, अपने परमेश्वर के नाम को उठाएं और ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले गलत लोग जो सच में प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रचार करने के लिए तो आते हैं लेकिन उसकी ओर से नहीं होते हैं, लेकिन उनको जानो समझो। वचन साफ कहता है कि पेड़ अपने फलों से पहचान लिया जाता है। तो आप वचन पढ़ोगे, बाइबल को पढ़ोगे, आप जान जाओगे कौन खुदा की ओर से, कौन खुदा की ओर से नहीं है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।